हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। सिर्फ शहनाज गिल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने आखिरी बार सिद्धार्थ ने कह दी थी इतनी बड़ी बात। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीवी समाचार 24 पर। चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल को कौन नहीं जानता। इंडस्ट्री का ये एक ऐसा कपल है जिस पर फैंस बहुत ज़्यादा प्यार बरसाते रहे हैं हमेशा। हालांकि अब ये रिश्ता नहीं है जिसका लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। दरअसल 2 सितंबर 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपनी जान से भी प्यारी दोस्त ही कह लीजिए या फिर कुछ और, शहनाज गिल को अकेला छोड़ दिया। जब पहली बार शहनाज से मिले थे सिद्धार्थ तब उनको एक्ट्रेस खूब पसंद आई थी। शहनाज गिल जिन्हें पंजाब की कटरीना कैफ उस वक्त कहा जाता था वो पंजाबी इंडस्ट्री में अपना करियर बना चुकी थीं। वहीं सिद्धार्थ टीवी का जाना पहचाना नाम थे जो कि बिग बॉस सीजन 13 में आए थे। बॉलीवुड में भी सिद्धार्थ काम कर चुके थे। बिग बॉस सीजन 13 पर ही सिद्धार्थ शहनाज की पहली मुलाकात हुई। उस समय बिग बॉस सीजन 13 के घर में सिद्धार्थ और आरती भी साथ ही में थे। ऐसा कहा जाता है कि आरती और सिद्धार्थ शादी करने वाले थे। बिग बॉस सीजन 13 में कई बार आरती सिद्धार्थ को करीब होते हुए देखा गया लेकिन इनकी आगे कोई बात नहीं बन पाई। शहनाज ने सिद्धार्थ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। शहनाज बेहद चुलबुली और मजाकिया इंसान थी जिसे सिद्धार्थ ज़्यादा भाव नहीं देते थे। शहनाज ने सिद्धार्थ को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया और इनकी दोस्ती धीरे धीरे शुरू हो गई। एक साथ घर में रहते हुए सिद्धार्थ शहनाज पर अपना दिल हार बैठी और उनसे प्यार करने लगी। बिग बॉस सीजन 13 जहां सब कुछ जनता को दिखता था तो वहां हर इंसान को साफ नजर आता था कि शहनाज गिल सिद्धार्थ से बेहद प्यार करती हैं। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ काफ़ी केयरफुल रहते थे। शहनाज ने सबके सामने सिद्धार्थ के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। शहनाज का प्यार देखकर सलमान खान का भी दिल पसीज गया था। हालांकि शो के आखिर तक सिद्धार्थ ने शहनाज को केवल अपना दोस्त ही बताया और नेशनल टीवी पर उन्हें गर्लफ्रेंड बोलने से इनकार कर दिया था। फैंस ने इनकी जोड़ी को शहनाज का नाम दिया और बिग बॉस सीजन 13 के घर में इनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। सिद्धार्थ ने शो जीता और इसकी बड़ी वजह फैंस ने शहनाज को बताया। सभी का मानना यह था कि शहनाज की मदद से सिद्धार्थ ने शो को जीता है। इनकी जोड़ी अब ऑफ स्क्रीन भी साथ नजर आने लगी थी। सिद्धार्थ और शहनाज अभी एक साथ नजर आने लगे थे। दोनों गानों में नजर आए, कई टीवी शो में दिखाई दिए। बताया जाता है कि कपल साथ में डेट पर जाते थे, जन्मदिन एक साथ मनाते थे। सिद्धार्थ के परिवार को शहनाज बेहद पसंद आई थी और शादी के लिए भी तैयार थे। साल 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज का साथ छोड़ दिया और वो फिर इस दुनिया को अलविदा कह गए। एक बसने वाला घर पहले ही टूट गया और शहनाज गिल अकेली रह गईं। शहनाज गिल आज भी सिद्धार्थ से बेहद प्यार करती हैं और रिश्ते को सभी जानते हैं। वहीं बिग बॉस OTT के सीज़न 1 के सेट पर साफ तौर पर सिद्धार्थ और शहनाज ने वहां पर बता दिया था कि इनका रिश्ता ऐसा है कि ये कभी नहीं टूटेगा। इस तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।